तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। वेलकम इज़ मोस्ट प्रोबेबली आज ही स्विफ्ट का आखिरी दिन है यहाँ पे घर पे, और भिवानी पे भी अभी लेके चल रहा हूँ एक बार मैं अपनी थार को। थार को इसलिए लेके जा रहा हूँ, अभी लेके आने समोसे, चलते हैं। 20 से 25 मिनट लगेंगे अभी समोसे के, तब तक घर ही जा रहा हूँ, क्या करूँगा यहाँ पे। बल्कि इसमें सोच रहा हूँ मैं खुद ही एक 0 to 100 कर लेता हूँ, है ना, मतलब कभी मैंने करा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। ऑलमोस्ट 11 सेकंड के आसपास जो है गाड़ी हो गई है, और 11 से भी जल्दी हो जाती है। रीजन बीइंग कि यार मतलब ये है ना कि आप जो मतलब मैंने नीचे खुद ही ऑन करा और ध्यान नहीं था पूरा, बट हाँ 11 सेकंड के आसपास जो है गाड़ी चढ़ गई थी 100 पे, तो ठीक है अगर इतनी भी आ रही है मेरे हिसाब से। आई होप भविष्य यार, आज तक ना कोई मैंने देखी ऐसी स्विफ्ट, और पता नहीं यार मतलब बेचते हुए भी लग रहा है 100 बार कि ऐसा प्रोजेक्ट था मेरा, ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको 100 बार लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। बट देन फिर अब देखो बढ़ना है लाइफ में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही, एंड अब ये है कि भाई इसको निकालना ही पड़ेगा। और आखिरी डे इसका आज भिवानी में, रीजन आप लोगों को पता ही है कि बस दिल्ली जाएगी, गुड़गांव जाएगी और ये बिक नहीं जाएगी अब, तो निकाल तो मैं कुछ खास रहा हूँ नहीं उसमें। फाइनली आज अपनी गाड़ी जा रही है यहाँ पे, और मम्मी खड़ी बाहर आपको दिख रही होंगी, और पापा तो अंदर चले गए। खैर एक बार पूछ के बता देता हूँ मम्मी को कैसी लगती थी ये गाड़ी भाई। क्या बातें कर रहे कैमरे मैन भी। मम्मी कैसा लग रहा है गाड़ी जा रही है? क्यों नहीं, मेरे तो बलिनो गई जब भी बहुत दुख। तो भाई ये फाइनली जा रही है, और आज के बाद आपको ये ऐसे खड़ी दिखेगी नहीं घर के बाहर। अब वो ली थी और उस टाइम बलिनो निकाली थी, अब ये ले रहे हैं, अब इसके बाद देखते हैं कौन सी लेंगे, है ना, जब जाएगी तभी तो आएगी दूसरी, सही है ना। ये तो है, पर घर का एक मेंबर होता है, तीन दिन इसमें घूमते हैं, वो तो है, तो थोड़ा महसूस तो होता है। तो भाई यहाँ पे पापा से और पूछ लेते हैं, भाई जा रही है कैसा लग रहा है? ठीक है भाई, फाइनली हाँ पूरी साफ हुई एकदम। सब यार अर्नव मैं स्पेशली से लेके जा रहा हूँ ताकि अर्नव ले जाए, और जा रही गाड़ी यहाँ से, चलो इसको बाय बोलते हैं। तो भाई गोइंग अपनी मिस्टर एक्स, द एक्स जो बोलना चाहो, इट्स फाइनली गोइंग, और यहाँ से आपको दिख रही होगी। तो चलते हैं भाई भिवानी में, इसका इतना ही था सफ़र, और HR 16x8284 भाई बहुत ही उससे तैयार करी थी यार ये मैंने, मेरे मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से थी ये। और आज पता है मैं पहली बार देखूंगा मेरी गाड़ी को ऐसे आगे आगे चलते हुए, नहीं तो हमेशा क्या रहता था कि भाई मैं पीछे बैठूं और मतलब जो पीछे बैठा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ गाड़ी के अंदर हूँ, बट आज पहली बार देखने को मिलेगा, तो चलते हैं। यार पीछे से देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है सच्ची में, देखने में बिना 3-4 बार तो मैं खुद ही मतलब मैं इसको देख के ही जा रहा हूँ, बड़ा इमोशनल टाइम है। आई थी इधर से ही राइट साइड में वेयर हाउस है, पीछे शोरूम चले गया तो गाड़ी अपनी इधर से ही आई थी राइट साइड से। ये रहा वेयर हाउस, यहाँ पे दिखेगा, कल स्टॉक यार्ड मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जहाँ पे स्टॉक खड़ा होता है। तो भाई इधर से ही आई थी तू, और इधर से ही जा रही है, यहाँ से आई थी, चलो ठीक है। अब यार पता क्या, बलिनो बेचने मेरे को इतना दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें मैंने कुछ करा ही नहीं था, पर यार ये अकेली ऐसी गाड़ी है जिससे ना मतलब जानते हैं कि भाई हाँ भिवानी में मुड़ मुड़ के देखते हैं, ठीक है चलो बाय भाई। तो भाई 130 या 40 पे अर्नव बढ़िया से क्रूज कर रहा है गाड़ी, 130 पे तो हम ही लोग हैं, और आगे गाड़ी आपको दिख रही होगी चलती हुई। तो भाई पिकअप तो उसका लाजवाब है ही है। गाइस मुझे मैं जानता हूँ कि आपको लगेगा कि भाई ये 90% तो तारीफ करे जा रहे हैं अपनी गाड़ी की, बट यार खुद देखो ना आप लोग की क्या जबरदस्त चीज बनाई थी यार ये, मतलब देख रहे हो साइड स्टैंड गाड़ी का कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, और ठीक है जो भी है। और ये व्हाइट कलर नहीं है, ये पर्ल व्हाइट कलर है, और कितने कुछ में बेची, क्या कुछ में बेची, सारी डिटेल्स आई विल टेल यू। तो भाई अब ये जाने से पहले इसकी आखिरी वॉश हो रही है। दीपक कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया सर। तूने व्हाइट होने के बाद पहली बार देखी है, देख रखी है पहले से? नहीं वो पहली बार रखी है। देख रही है ना? जी हां जी। तो ये जा रही है, कैसा लग रहा है? देनी नहीं थी लेकिन, है ना, देनी दूसरी ले रहे हैं ना। आली, आली। तो भाई यहाँ से देख सकते हो मैं आया था कि एक बार पूरी जो गाड़ी साफ हो जाए अपनी, तो बढ़िया से भी साफ भी हो चुकी है ये सारी की सारी, और पूरा का पूरा हो चुका है, पर दिखा दूँ फिर भी आप लोगों को। तो यहाँ से देख सकते हो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वॉश,
जो अपनी गाड़ी की हो रही है, ऐसा कुछ था अपनी गाड़ी में वॉश होते आया था मैं यहाँ पे वैक्स कार केयर पे। और आज तरुण भैया नहीं है, तरुण भैया कहाँ पे? अच्छा उनकी मैरिज हुई है ना, तो आज दीपक तो तू ही अभी यहाँ पे, तू ही संभाल रहा है? हाँ जी आज मैं ही। नहीं आज है अभी संभाल ली तू रहा है? अभी मैं ही संभाल। अच्छा चलो बढ़िया भाई, तो भी दीपक मिलेगा अगर आप रिसेंट में अभी आते हो यहाँ पे तो। और ए टू जेड हो गया अपना सारा का सारा। क्या क्या हुआ था वैसे? वैसे रूफ टू फ्लोर ड्रैगलिन हो गई है, बाहर से वॉश हो गई है, बैक इसमें लगनी नहीं थी, रैप हो रखा है। हाँ मतलब कुल मिला के डिटेलिंग हुई है पूरी, है ना? पूरी डिटेलिंग हुई। तो भाई इंटीरियर की पूरी डिटेलिंग होगी रूफ टू फ्लोर। ठीक है, तो भाई यहाँ से वापस फ्लोर हो रहा है, वो वैक्यूम रह रहा है, बाकी सीट वीट दे सकते हो। बट हाँ देखिए एक चीज़ है, वाइट कलर है पर साफ करने पे हो जाता है साफ, है ना? ऐसा नहीं रहता कि ये मतलब साफ नहीं होगा, है ना? तो भाई ये साफ हो चुका है, एक बार वैक्यूम हो जाता है, फिर दिन में दिखाऊंगा आपको इसके लुक्स।